10 ला मिळाला तर चला मित्रांनो मैदानाकडे जाऊया। वैयक्तिक पहिले संख्या की पहिले षटक हाताळतो। पॉवर प्ले हाताळण्यासाठी गोलंदाज आलाय धीरज। गोलंदाजी मार्कवर मंगेश टाइगर नावाचा गुणात गोलंदाजी मार्कवर पहिले षटक फेकण्यासाठी तयार होते। रॅडा रामदेव विकेट मारा करतोय की रॅडा रामदेव विकेट मारा करतोय। पहिला चेंडू सुरराई वन नॉट वेगवान पर्यंत ऑफ स्टिकच्या बाहेर। पंच संजय वाघमारे आमच्याकडे वळतात धरतीला खवायत करतात समान हात करतात। वाईड बॉल आहे खराब बॉल आहे अवांतर धावणे अकाउंटला सुरुवात केली जाते। धाव संख्या झाली ते स्कोरकार्डवर एक। पहिले षटक पिवंत घेऊन आलाय गोलंदाज धाबरा पर्यंत रन ऑफ। बघूया कोणत्या प्रकारची गोलंदाजी करतोय। पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू चेंडूला गॅप सिलेक्शन केलंय चेंडू मात्र गॅपला भेदलाय सरळ निघून जातो निघून जातोय। थर्ड बॅन परंतु नाही चेंडू असं वाटत होतं की बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय काय। डीप थर्ड बॅनला फील्ड केले दोन धावा मिळतायत या दोन धावणे भर पडले जाते। धावसंख्या जवळ पोहोचते तीन या अंकावर। पहिले षटक प्रगती पथावर चालू असताना धावसंख्या झाली ते तीन। पुढे गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज झाला एक धाबरा पर्यंत रन घेऊन धीरज फवार गोलंदाजी मार्कवर तर स्ट्राइकर फलंदाज आहे गुरुनाथ। पुढचा चेंडू धीरज आता चेंडू मात्र निघून जातोय मंगेशने ढकला चेंडू जातोय काळू पाहुणेचारी संघाचे चौकार डीजे ढाक। मग सामना हवा टाइट करणारा सामना पाहिला। पुढचा चेंडू मंगेसाठी आहा सुंदर फटका स्कोरकार्डचा फटका पाहायला मिळालाय चेंडू निघून जातोय सरळ कव्हर डीप कव्हर आणि पॉइंटच्या डीप पॉइंटच्या मधोमध मारला जातोय हा चौकार। एक काऊ कॉर्नरमध्ये तर एक कव्हरच्या रिझनमध्ये हा दोन चौकार पाहायला मिळतात बॅक टू बॅक। दुसरा चौकार मंगेशाच्या बॅटच्या फट्ट्यामधून डीजे वाजवा। अकरा धावसंख्या झाली स्कोर कार्डवर। अकरा धावसंख्या झाली पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर आलाय गोलंदाज धीरज। सुंदर ब्लॉक चेंडू पाहायला मिळाला खोलवर चेंडू पाहायला मिळाला धीरज कडून धीरज पवार। आता कुठेतरी पॉवर वापरण्याचा प्रयत्न केलाय मंगेश स्ट्राईक वरती आहे त्याच्या बॅटच्या बॅटमध्ये बॅक टू बॅक दोन चौकार पाहायला मिळाला। नंतर मात्र थोडस कमबॅक केलं मित्र म्हणून धीरज याने कारण जर का विचार केला खोलवर चेंडू फेकला होता त्याला खेळत असताना कुठेतरी गोलंदाज फलंदाज त्या चेंडूवर चेंडूला सोडून देतोय डॉट चेंडू सांगता येतोय। पुढचा चेंडू ओहो हो हो पुन्हा वेगवान गोलंदाज धीरज ठरला जातोय पुन्हा बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू डॉट पडला जातोय। दोन चौकार खाल्याच्या नंतर मात्र दोन चेंडू लगातार डॉट फेकल्याच्या फेकले जात आहेत धीरज पवार याच्याकडून। दोघांच्या मध्ये गुरुनाथ आणि मंगेश याच्यामध्ये थोडस बातचीत केली जाते की कसं खेळावं लागेल तुला तर हा सामना फार महत्वाचा असणार आहे दोन्ही टीम साठी। एका बाजूला खांदा तर दुसऱ्या बाजूला भिंगार म्हणजे दोन्ही टीम आमने सामने येऊन ठेवल्या आहेत। सोंडाई माता क्रिकेट क्लब चिन्स कामला यांच्या मैदानावर पडला शॉट पडला चेंडू खेळून काढलाय फील्ड पाहायला मिळते सिंगल आणि सिंगल धावणे मात्र धावसंख्या पुढे सरसावली जाते। पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय धावसंख्या झाली ती 12 स्कोर कार्डवर। पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय आणि धावसंख्या झाली ती 12 बारा चेंडू बाकी आहेत धावसंख्या 12 पाहायला मिळतात। पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला पॉवर प्ले पॉवर प्लेला हटवला जाणार बघूया दुसरे षटक कोण घेऊन येतोय। मानवी 11 भिंगार टीमचा गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅकवर कोण येतोय विकास बघूया आपल्या टीमचा विकास करतोय का विकास करणं गरजेचं आहे कारण हा सामना फार महत्वाचा असणार आहे दोन्ही टीमसाठी। आता स्ट्राईकवर फलंदाज येतोय हा मंगेश स्ट्राईक वरती आहे नवशेला गुरुनाथ गुरुनाथला मात्र स्ट्राईक अजूनपर्यंत जास्त काही मिळालेलं नाही आहे। विकास मांडवी 11 भिंगार टीमचा हा गोलंदाज झालाय विकास दाबारा पर्यंत रणाव घेऊन येतोय मेन पंच संजय वाघमारे। हा दोन्ही टीम ह्या पनवेल तालुक्यामध्ये गणल्या जाणाऱ्या टीम आहेत एका बाजूला खांदे आहेत तर दुसऱ्या बाजूला मित्रांनो भिंगार गेलाय सरळ लॉंगशॉट बाउंड्रीच्या बाहेर हा येतो चौकार आणि चौकाराच्या साने धावसंख्या जाऊन होते 16 या अंकावर विदाउट लॉस विकेट नाही आहे
खांद्याची धावसंख्या झाली 16 डीजे याच्या आधी खांदे बनाम चाकण त्याच्यानंतर मित्रांनो मोहपाडे आणि धारोळे धारोळा टीम याच्यामध्ये सामना रंगला होता म्हणजे बघा एक पुणे जिल्ह्यामध्ये तर दुसरी ठाणे जिल्ह्यामध्ये अशा लांबून दोन्ही टीम आल्या होत्या सुंदर फटका पाहायला मिळाला डीप पडलं चेंडू खेळून काढलाय डीप पॉइंट क्षेत्री थोडीशी फंबलिंग पाहायला मिळाली चेंडू निघून जातोय बाउंड्रीच्या बाहेर डीप पॉइंट बाउंड्रीच्या बाहेर आहे तो चौकार आणि या चौकाराच्या सहाय्याने धावसंख्या जाऊन पोहोचते 20 या अंकावर डीज ये तो मंगेश पुष्पा बन चुका है मैदान के ऊपर पुरता चेंडू विकास आहा क्लास डिलीवरी बढ़िया डिलीवरी यार्क डिलीवरी पाले मिलाले काय सुर एकदम खोदर बजा चेंडू पाला मिलाला होता मंगेशाला काही कळलं नाही काही समजलं नाही धावसंख्या 20 च्या घरा जाऊन पोहोचते धावसंख्या 20 झाले स्कोर कार्ड वर पुन्हा गुणंदाजी मार्कवर आला विकास एक दाबरा पडतो रन आउट घेऊन ऑन साइड चेंडू खेळून काढला आला ऑन द कार्पेट डिबिडो खेळला चेंडू येतोय दोन फिल्डर चेंडूचा पकडताय तो फेकतोय तोपर्यंत मात्र या दोन धावा चिताच्या चपळ्याने पूर्ण केल्या जात आहेत दोघांच्या मध्ये ताळमेळ चांगला गुड रनिंग तर भेटतो विकेट पाहायला मिळते या दोन धावने धावसंख्या होते ती 22 स्कोर कार्ड वर 22 धावसंख्या पुन्हा गोलंदाजी गोलंदाजी ट्रॅक वर दाबरा पर्यंत रणाव घेणतो युट्यूब कॅमेरा इंडिकेटर पंतांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाज येतोय राऊंड विकेट मारा करतोय विकास पुढचा चेंडू ऑन साइड ला चेंडू पुन्हा खेळून काढलाय मिड विकेट ला चेंडू येतोय थोडस फंबलिंग पाहायला मिळालं दोन धाव मात्र वाजू शकते तिसरी धाव मात्र खराब थ्रो कुठेतरी ही एक्स्ट्रा धाव मात्र देऊन जातोय कारण जिथं दोन धावा पाहिजे तिथं तिसरी धाव मिळते आणि तीन धावने बरबडल्या ते धावसंख्या टोटल स्कोर कार्ड वर पाहायला मिळते 25 पाव शतक लागला जातोय खांदे टीमच्या स्कोर कार्ड वर खांदे दरम्यान मानवी 11 भिंगार याच्यामध्ये हा सामना रंगलाय पुढचा चेंडू विकास याचा ओहो आता मात्र चेंडू कुठेतरी सोडून देतोय फलंदाज षटक क्रमांक दोन मार्गाचा लागला जातोय धाव संख्या होती ती 25 स्कोर कार्ड वर 25 धाव संख्या झालाय स्कोर कार्ड वर मांडवी 11 भिंगार आणि खांदे टीम 11 स्टार खांदा याच्यामध्ये ही जुगलबंदी चालू आहे शेवटचा अंतिम षटक कोणाकडे सोपवलं जाणार शेवटचा अंतिम षटक कोण घेऊन येणार कारण विश्वासाचा गोलंदाज आणावा लागेल मांडवी 11 भिंगार टीमच्या कॅप्टनला कारण फार जर का आपण विचार केला तर 12 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय आणि 25 धावा या स्कोर कार्ड वर पाहायला मिळाल्या आहेत शेवटचा अंतिम षटक कोणाच्या हातामध्ये सोपवला जाणार आदिनाथ आधी अभि नाही तो कभी नाही कारण हा सामना फार महत्वाचा असणार आहे आदिनाथ गोलंदाजी मार्क वर गोलंदाजी ट्रॅक वर आलाय दाबरा पर्यंत रणाव गेला तर स्ट्राईक मात्र असणार आहे ती मंगेश मंगेश मात्र किल्ला एकाकी लढवताना पाहायला मिळतोय मैदानामध्ये तसाच गुरुनाथ देतोपर्यंत गुरुनाथ मात्र पाहिजे तितके चेडू त्याने फेस केले नाही खेळला नाहीये अंतिम षटक लॉगवर घेऊन आलाय गोलंदाज आदिनाथ मांडवी 11 भिंगार टीमचा गोलंदाज झालाय आदिनाथ तर स्ट्राईक वरती मात्र फलंदाज आहे मंगेश 11 बॉल मध्ये 24 खेळलाय वैयक्तिक आणि धाव संख्या टोटल स्कोर कार्ड वर पाहायला मिळते 25 आहा फटका फसला बॅकअपला मात्र छत्रशक हा झेल टिपतोय फलंदाज बाद होणार मंगेश मंगेशचा बारे चांद केला जातोय एक बाद 25 अशी धाव संख्या झाली स्कोर कार्ड वर डेज झोपतून आपल्या झोपेतून जागे होतील आणि डीजे वाल्याला भेटायला येतील
कधी अर्धे आहेत, नाही तर कढी वाजायला भेटायला जातील. किती जोराने वाजवतोस, आमच्या अर्धीला ये. एक भात धाव संख्या झाली 25. तर गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज आलाय. आदिनाथ दावरा पडून रन आउट करतोय. रायडावर विकेट मारा करतोय. लेफ्ट राउंड विकेट मारा करतोय. बरोबर चेंडूचा मात्र बॅटच्या रनर मध्ये घेतला. वाडिश लॉंग आपला चेंडू झोकून दिलाय. आउट ऑफ द पार्क षटकार. अजय ब्रँडेड षटकार. डेज ढक. एकटी धाव संख्या झाली स्कोर कार्डवर. गोलंदाज आदिनाथ पुढचा चेंडू. अजय अजयने लाभ केलाय, आवडून दिलाय. क्षेत्ररक्षक मात्र त्या ठिकाणी येतो. फंबलिंग पाहायला मिळाले. सिंगलला डबल कन्वर्ट केले. दोन धावा तिसरी धाव मिळते काय. परंतु अजयने गुरुनाथला थांबवलंय. फार महत्वाचं आहे कारण सवाईदारी अजयला माहिती आहे माझी विकेट फार महत्वाची असणार आहे. धाव संख्या झाली ते 33 स्कोर कार्डवर. एक बाद 33 अशी धाव संख्या झाली स्कोर कार्डवर. अंतिम षटक चालू आहे. अंतिम षटक हाताळताना आदिनाथ मांडवी 11 भिंगार टीमचा हा गोलंदाज शेवटचे षटक हाताळताना पाहायला मिळतो या मैदानामध्ये. गोलंदाजी ट्रॅकवर, स्ट्राईकवर फलंदाजी, मार्कवर फलंदाज पाहायला मिळतो अजय. ओहो शॉर्ट डिलिव्हरी पाहायला मिळतोय आदिनाथ याची. क्लास डिलिव्हरी, सुपर डिलिव्हरी, एक्सलंट डिलिव्हरी पाहायला मिळतोय. एक सुरेक अचूक टप्पा पाहायला मिळालाय गोलंदाज आदिनाथ याचा. मांडवी 11 भिंगार टीमचा हा गोलंदाज आहे. तर फलंदाजी मार्कवर खांदे टीमचा फलंदाज अजय. स्ट्राईकवर खेळताना पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू आदिनाथ. आता मात्र लँगलाईन थोडीशी भटकली मित्र म्हणेन. पटरीच्या खाली ट्रेन उतरली. ऍक्सिडेंट हलकासा झाला. एक धाव मात्र मिळते. एक धावने भरपडली जाते. धाव संख्या टोटल स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते 34. चौथी धाव संख्या झाले स्कोर कार्डवर. केटीसी लाईव्ह यांच्या माध्यमातून मित्रांनो आज 4 रात्रीमध्ये त्यांनी एक सुंदर असं चित्रीकरण आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये टिपले. आता मात्र चेंडू सुरेख चेंडू आहे. लय भारी चेंडू आहे कारण अजय हा चेंडू कुठे आला, काय झालं, कसं काय, कुठं निघून गेला काय कळलं नाही अजय याला. अजयला मात्र थोडीशी झोप लागले आणि झोपेमध्ये काय विचित्र सपडं पडल्याप्रमाणे तो बघतोय चेंडूकडं. पुढचा चेंडू खोलीबाजी चेंडूला खोदून काढला. चेंडूला मात्र उडवला. जबरदस्त प्रेक्षणीय दमदार आर पार षटकार. आणि जसं जसं उजडत येईल तसं तसं त्याच्याकडून एक वेगवेगळ्या प्रकारच्या मोजे धून आपण ऐकायला मिळणार आहेत. कारण आपण नेहमी म्हणतोय रात्र वैर्याची आहे, रात्र संपत झाली आहे. आणि जसं जसं का आपण म्हणूया आपण सकाळच्या पहाटेकडे वाटचाल करतोय तशा तशा प्रकारचे धून आमच्या शौर्य डीजे यांच्या माध्यमातून आपण असं ऐकायला मिळतील. ज्यांचा कोणाचं लग्न समारंभ ठरला असेल, साखरपुड्याचा कार्यक्रम असेल, सुखदुःखाचा कार्यक्रम असेल, तर आमच्या शौर्य डीजे ह्याला जवळ आज आपण येऊन त्या ऍडव्हान्स बुकिंग करून घ्यायचं आहे. कारण त्याची ऑर्डर फुल आहेत. आपण नक्कीच त्याची ऑर्डर आपल्या हळदी समारोहाच्या ठिकाणी बरोबर मैदानाकडे जाऊया. वाजवण्यासाठी हा डीजे घेऊन जायचा आहे. शौर्य डीजे 41 रनांची गरज असणार आहे. 41 धाव्यांची गरज असणार आहे ती मांडवी 11 भिंगार टीमला. जिंकणारी टीम आमची दादा टीम वाट पाहते की कोणती टीम येऊ द्या, खांदे टीम येऊ द्या किंवा मित्रांनो
मांडवी इलेवन भिंगार टीम एवढे आम्ही दोन हात करायला तयार आहोत. ते प्रशांत पवार असतील, शुभम नाईक असतील, ते म्हणतात कोणती टीम येऊ द्या, काही हरकत नाही आहे. कारण त्यांनी दाखवलेलं याच्या आधी परफॉर्मन्स काय सुर्राक फटके पाहायला मिळाले. प्रशांत असू द्या, शुभम नाईक असू द्या, शुभम नाईकेचे फटके ना माय गॉड तारीफ काबिल, कारण सुर्राक फटके पाहायला मिळालं शुभम नाईकच्या बॅटच्या बड्ड्यामधून. 41 रन की जरूरत है जीतने के लिए, 18 गेंदे बाकी, 18 गेंदों में जीतने के लिए 41 रन की जरूरत है. 41 का पीछा चल रहा है इस मैदान के ऊपर, पीछा करने के लिए दोनों बल्लेबाज पवन क्रिज के ऊपर दाखिल हो चुके. मानवी इलेवन भिंगार टीम के दोनों बल्लेबाज पवन क्रिज में दाखिल हो चुके. स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज धीरज और आ जाए, स्ट्राइक के ऊपर धीरज है और नाटक के ऊपर आ जाए. तो गेंदबाज का भागदौड़ संभालते हुए गेंदबाज टीवन का पहला ओवर लेकर आ चुके हैं. आ जाए धीरज स्ट्राइक के ऊपर, नॉट के ऊपर आ जाए और गेंदबाज का भागदौड़ संभालने के लिए भी आ जाए तैयार. खांदे टीम की तरफ से यूट्यूब कैमरे इंड की तरफ से पहले गेंद डालने के लिए तैयार. ओहो ये ना देखा ना सोचा, घुमा दिया बल्ले को धीरज स्ट्राइक के ऊपर. अजय नौ स्ट्राइक इंड के ऊपर है और गेंदबाज का भागदौड़ संभालने के लिए आ जाए खांदे टीम की तरफ से. पहले गेंद डॉट निकाली जरूर, 41 रन चाहिए जीतने के लिए. और सार की रिजल्ट में गेंद को ट्रावल किया नोवेलैंड, गेंद निकल जाएगी गली की रफ्तार के साथ. धरती का तीन आखिर कर बाउंड्री के बाहर, नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे चार. डीजे बजे फिर एक बार. ना फुटवर्क किया धीरज दादा, लोग हमेशा कहते हैं मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क बहुत जरूरी होते हैं. जब तक आपके फुटवर्क चलेंगे ना तब आपके बिल्कुल रडार में गेंद आएगी, फुटवर्क नहीं चलेंगे गेंद आपके पास नहीं आएगी. अगली गेंद धीरज के लिए, देखिए गेंद लाभ किया, उड़ा दिया है, कोई वहां फील्डर मौजूद नहीं, निकल जाएगी आउट ऑफ द स्टैंड. छगे के लिए छगा धागा है, छगा मिला और नंबर पूरा मिला, आधा डजन 6 रन. डेजा शॉट पावर प्ले, और पहले पावर प्ले का इस्तेमाल करने के लिए आज गेंदबाज. ओहो ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉक, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की थी लेकिन हवामान थोड़ा सा खराब है, हेलीकॉप्टर ना उड़ सका और जमीन के ऊपर रह गया. पाइए गेंद निकल गई गोली की रफ्तार के साथ, डॉट डॉट बिंदी गेंद जाती है, उस गेंद के ऊपर कोई रन का नंबर नहीं लिखा जाता. डॉट गेंद, जीरो गेंद, बिंदी गेंद, टोटल 10 रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर. अगली गेंद, ओ ये गेंद निकल गई, फिर से गेंद निकल गई गले की रफ्तार के साथ कीपर के 10 रन में. डॉट गेंद की समाप्त हुई जरूर. और ये पहला और खत्म 12 गेंदे में जीतने के लिए चाहिए 31 रन की जरूरत है जीतने के लिए 12 गेंद में. मानवी इलेवन भिंगार टीम के लिए, मानवी इलेवन भिंगार बनाम खांदा टीम, इनके बीच में मुकाबला चल रहा है, बहुत ही अहम बड़ा मुकाबला है, अच्छा मुकाबला, महत्वपूर्ण मुकाबला. इसके बाद जीतने वाले टीम मोहपाड़ा के सामने आमने सामने भिड़ेगी इस मैदान के ऊपर. लेकिन मोहपाड़ा के बल्लेबाज कहते हैं, सभी 11 खिलाड़ी कहते हैं कि कौन सी भी टीम आ जाए हम डरने वाले से नहीं डराने वाले से है. गेंदबाज, लेकिन दोस्तों लोग हमेशा कहते हैं क्रिकेट एक अनिश्चित भरा हुआ गेम है. विजय नया गेंदबाज आ चुका है, दूसरा ओवर डालने के लिए तैयार. 12 गेंद में 31 रनों की जीत जीतने के लिए चाहिए, 12 गेंदे बचे, 12 गेंद में 31 रनों की जरूरत है जीतने के लिए. अजय स्ट्राइक के ऊपर आ चुके, अजय कहीं ना कहीं आपको लंबे मैथेड लगाने पड़ेंगे क्योंकि 12 गेंदे हैं, 12 गेंद में 31 रनों की जरूरत है जीतने के लिए. अगली गेंद,
ये के लाभ किया, उड़ा दिया है, जाएगा जाएगा जाएगा, गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन। गेंदे बचे 11, जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। ये मुकाबला क्रिकेट का है, क्रिकेट कहा जाता है अनिश्चित भरा हुआ गेम, कभी इसके निश्चित नहीं कहा जाता, कुछ भी हो सकता है। गिरगिट से भी कई तेज रंग बदलने वाला, उसी का नाम रखा है क्रिकेट। अगली गेंद, गेंदबाज विजय की, आज गेंद, गेंद निकल जाएगी, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, नाम का जो बादल आ चुका है, वो ना रुकने वाला, वो तो ठोकने वाला, बैक टू बैक दूसरा छक्का, बेधड़क। गेंदे बचे है 10, जीतने के लिए 19, 10 गेंदों में 19, दो गेंदों के ऊपर 2 छक्के दागे, तीसरा छक्का मार के हैट्रिक बना सकते हैं क्या बल्लेबाज, आ जाए। अगली गेंद विजय की, अजय के लिए, ये तीसरा छक्का मारकर बड़ा रिकॉर्ड तैयार किया बल्लेबाज मांडवी 11 भिंगा टीम के, आ जाए ने डीजे आता बाजवा। वेगवेगळ्या प्रकारचे दूध आता चेंडू राहिलेत 9, विजयासाठी 13 धावांची गरज, 9 गेंदों में 13 रन की जरूरत। अजय क्या बल्लेबाजी, मांडवी 11 टीम की भिंगार टीम का ये बल्लेबाज है ना, क्या बल्लेबाजी चल रही है। आहा, विजय ने इस गेंद को चाला के साथ, लेकिन अब ठीक के ज्यादा बाहर है दुर्वर, आप गेंदे बचे 9, जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। किसके टीम के चेहरे के ऊपर 12 बजेंगे, किस कप्तान के चेहरे के ऊपर 12 बजेंगे, 12 का आंकड़ा तो क्रॉस हो चुका है, 12 तो बज के चले गए, लेकिन 12 कब किसके टीम के बजेंगे हमें मालूम नहीं। ओह बैकअप बहुत ही अच्छा है, बैकअप बहुत ही बढ़िया, सिंगल शायद चुरा लिया है, सिंगल रन मिलेगा 1 रन के साथ, टोटल कुल रन बन चुके स्कोर कार्ड के बाहर 30, अब 11 रन की जरूरत है जीतने के लिए 8 गेंदों में 11। यह मुकाबला धीरे धीरे कहां जाएगा, किधर जाएगा, यह हमें मालूम नहीं, लेकिन जैसे जैसे गेंद डॉट डॉट हो जाएगी, रनों का अंतर बढ़ेगा, रन आएगी, रनों का अंतर कम हो जाएगा, अब पैरों पर टकरा गई या बॉडी पर टकरा गई, लेकिन ये गेंद निकल गई डॉट, डॉट गेंद की समाप्ति होना जरूरी, मैंने कहा था कि अगर जितने में गेंद डॉट जाएगी रनों का अंतर बढ़ेगा, जितने रन आएंगे रनों का अंतर कम हो जाएगा, रनों का अंतर थोड़ा सा बढ़ चुका है, गेंदे बची है 7, जीतने के लिए 11, 7 गेंदों में 11। अगली गेंद विजय की, धीरज के लिए, धीरज ऑलंद कार्पेट डिबिटर के क्षेत्र में गेंद के थोड़े से भम्बल हमें नजर आए जरूर, आप ये 2 रन नहीं रोकेंगे, 2 रन का इजाफा मिला, कुल टोटल बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 32, आप सिर्फ 6 गेंदों में 9 रन की जरूरत, बिल्कुल 6 गेंदों में 9 रन की जरूरत है जीतने के लिए मांडवी 11 भिंगार टीम के लिए।
मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। छह गेंदों में नौ रन की जरूरत जीतने के लिए मांडवी 11 बंगाल टीम के लिए। क्या ये नौ रन डिफेंड कर पाएंगे गेंदबाज करने वाली टीम खांदे टीम? गेंदबाज का भागदौड़ संभालने के लिए गेंदबाज नवनाथ भोपाड़ी टीम का कप्तान, आप टॉस बॉक्स में आकर खड़े रहिए क्योंकि इसके बाद जो जीतेगी टीम आपके साथ भिड़ेगी। छह गेंदों में नौ रन की जरूरत। नवनाथ स्ट्राइक के बाहर एक खूंखार शेर खड़ा है, इंतजार कर रहा है शिकार का। फंस गए, लटक जाएंगे और ये लटक गए। बड़े विकेट, बड़ी मछली जाल में फंस गए। आ जाए बैक टू डगआउट, विकेट क्रमा के एक। अब गेंदे बचे पांच, जीतने के लिए नौ रन की जरूरत। शौर्य डीजा तो दोनों तरफ है दोस्तों, खंदे टीम की तरफ भी है और मांडवी 11 बंगाल टीम की तरफ भी मुकाबला है क्योंकि मुकाबला बिल्कुल 50-50 अभी तक इस मैदान के बाद। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आदिनाथ, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है आदिनाथ। गेंदबाज का भागदौड़ संभालते हुए नवनाथ 10-12 गज का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे। अगली गेंद नवनाथ की आदिनाथ के लिए। अगली गेंद, ये गेंद क्या बात है, बढ़िया गेंद, मार्बलिन गेंद। ओ आदिनाथ उस गेंद की तरफ, आदिनाथ दादा इसको लगा डाला तो लैब झिंगा डाला वरना ढूंढते रह जाओगे। एक गेंद निकल गए, डट 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 डट। अब गेंदे बचे चार, जीतने के लिए नौ रन की जरूरत। चार गेंदों में नौ। ये क्लीन बॉल, क्लीन बॉल, बिल्कुल क्लीन बॉल है, क्लीन वर्ल्ड है आदिनाथ, आदिनाथ क्लीन वर्ल्ड। आप गेंदे बचिए तीन, जीतने के लिए नौ रन की जरूरत। डीजे शौर्य ढाक आठ रन। ये गेंद बताएगी, ये गेंद कहेगी कि मुकाबला किसके तरफ,
कांदे टीम की तरफ या मांडवी इलेवन बंगाल टीम की तरफ, क्योंकि दो गेंदों में 8 रनों की जरूरत। मुकाबले जैसे जैसे रात घटती जाती है ना, वैसे वैसे मुकाबले हाई वोल्टेज मुकाबले बनते जा रहे हैं। सुबह नजदीक आ रही है लेकिन मुकाबले हार्ड मुकाबले बनते जा रहे हैं इस मैदान के ऊपर। दो गेंदे बचे, दो गेंदों में 8 रन की जरूरत है मांडवी इलेवन बंगाल टीम के लिए। कहे दो गेंदों में 8 रन बना पाएंगे, दो चौके लगा पाएंगे, या छक्का या दो रन, या कहीं ना कहीं दो गेंदों में एक गेंद डॉट निकाल पाएंगे गेंदबाज नवनाथ। नवनाथ तो सफल गेंदबाज है अभी तक। ये गेंद निकल जाएगी गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री के बाहर। ये क्या हुआ? ये पंजा मिला है, दो गेंदों में सिर्फ 3 रन की जरूरत। अगली गेंद, ये गेंद भी वाइड गेंद। नवनाथ इतनी अच्छी गेंदबाजी आपने की और इतनी अच्छी गेंदबाजी करने के बाद ये क्या कर बैठे आप? ये मुकाबला वाइड के वजह से गवाज हो गया आप। हाँ, ये बल्ले से नहीं, ये आपने आपने उस अपने अपोजिट टीम को गिफ्ट दिया है, जो गिफ्ट मेरे ख्याल से दिवाली में आपने पेंडिंग रखा था वो अभी दे रहे इस मैदान के ऊपर। वाइड, हवा तो टाइट हो गई। हाँ, दो गेंदों में 1 रन की जरूरत, दो चाहिए। हाँ, दो गेंदों में 2 रन की जरूरत। शायद ये मुकाबला कहां था, कहां चला आया, आप दो गेंदों में 2 रन की जरूरत। ये वाइड में वाइड 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 करके हवा टाइट हो गई। आप दो गेंदों में 2 रन की जरूरत, दो गेंदों में 2 रन की जरूरत। विचार करने वाला मुकाबला बन चुका है, सोचने वाला मुकाबला बन चुका है। करे तो क्या करे, क्योंकि ये मुकाबला बिल्कुल कांदा टीम के झोले में गिरता 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 निकाल निकाल के ले जाएंगी मांडवी इलेवन बंगाल टीम, ऐसा लग रहा है इस मैदान में। तो क्या थोड़ी सी गलती गेंदबाज के द्वारा हो चुकी है। ये सिंगल तो मिलेगा, डबल लेना चाहते हैं लेकिन ये रन आउट का विकेट जाएगा, ये धीरे तो आउट हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, एक गेंद में 1 रन की जरूरत। डीजे शौर्य वाजवा। खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो गई उनके द्वारा और ये वाइड प्लस 4 यानी कि 5 रन मिले, वहीं से मुकाबला यूटर्न हो गया था। अब एक गेंद में 1 रन की जरूरत। मोहपाने टीम का कर्णधार टॉस बॉक्सर आइए प्लीज।
एक चेंडू एक धावेची गरज, एक गेंद में एक रन की जरूरत है। मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला बन चुका है, आग कभी भी लग सकती है क्योंकि एक गेंद अतुल जैसे बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर गेंद का इंतजार कर रहे हैं। आखिरी गेंद नवनाथ, ये गेंद शायद गलती 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 और ये मुकाबला जीता मांडवी 11 भिंगाल टीम ने।